हमने सीखा। पहला, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वे एक रेखा बनाती हैं। उपर्युक्त दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। तीसरा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चौथा, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब पहला, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। दूसरा, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। पांचवा, दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि एक तिर्यक रेखा इन रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि पहला, संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो या दूसरा, एकांतर अंतः कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो या तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का कोई एक युग्म संपूरक हो। छठवां, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। सातवां, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आठवां, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस तरह बना बाह्य कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।